उसको हॉस्पिटल लेके जाती थी ना कार में, तो उसने कार राइड्स को अब हॉस्पिटल राइड्स के साथ एसोसिएट किया हुआ है। तो वो जब भी कार में बैठती है वो घबरा जाती है, और उसके लिए वो है कि मेरे को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं डॉक्टर के पास। बिना एसी के बिल नहीं सोती, अगर मेरी दादी बिना एसी के सो गई तो वो उन्हें चोंच मारती रहती है पेट में कि उठो एसी चलाओ। मैं कभी वेकेशन पे गई हूँ और मैं उससे मिलने आ रही हूँ तो मेरे से लड़ती है, वो मेरे शूज पे मारती है कि कहाँ गई थी मेरे को छोड़ के। मेरे पापा ने किसी अंकल को देखा था कि वो ऐसे ना अपने बाइक पे चिकन्स को लेके जा रहे हैं, तो बुरा लग रहा था उनको तो वो ले आए। एक तो मुर्गा था वो तो मर गया था बिकॉज ही गॉट सिक, और एक मेरी छेनू थी मुर्गी। तो हमने सोचा था उसकी कंपनी के लिए हम दो और मुर्गी ले आते हैं। इनका मैंने नाम तो बेला जीजी रखा था। इवेंचुअली जब ये बड़े हुए थोड़ी महीनों बाद इनकी भी डेथ हो गई थी, छेनू फिर से अकेली हो गई थी। छेनू का और मेरा कनेक्शन अभी फिलहाल तो एकदम बहनों बहनों वाला है। वो मेरे से बहुत ज्यादा लड़ती है, कोई भी उसको डांट देता है तो वो गुस्सा मेरे ऊपर निकालती है, पर वो प्यार भी उतना ही दिखाती है मेरे को। जब उसको सोना होता है तो वो एकदम मेरे से चिपक के सो जाती है। वो मेरी दादी के बिना सोती नहीं है बेड पे, वो खड़ी रहती है। उसके आने के बाद हमें पता लगा कि मुर्गियां बाकी और एनिमल से डिफरेंट तो बिल्कुल ही नहीं है। आपको वो प्यार समझना आना चाहिए। अगर आप उस मुर्गी को एक खाने की तरह देखोगे तो फिर आपको वो प्यार तो बिल्कुल नहीं समझ आएगा। क्या मांग रहे हो? छेनू के आने के बाद ही पीटर भी आया, पीटर भी स्ट्रेट हो गया है। छेनू ना बड़ी बहन जैसी ज्यादा लगती है क्योंकि पीटर उससे डर के भाग जाता है, वो उसको मारने के लिए भागती है। पीटर सो रहा होता है ना तो छेनू कभी कभी उसके पास जाके सो जाती है या उसके ऊपर सो जाती है। अगर मेरी दादी और मेरे दादा कोई भी खाना खाने बैठते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे जंप करती है फिर वो खाना लेके भाग जाती है। बाहर हमारा थोड़ा सा गार्डन लाइक है तो मिट्टी में एक डर्ट बाथ लेती है वो। छेनू जब एग देती है तो वो बहुत ज्यादा रोती है, ऐसा लगता है कि कोई टॉर्चर कर रहा है उसको, वो इस हिसाब से रोती है। तो वो भी मेरे भाई को दिखा कि कितना पेन हो रहा है उसको, तो उसने कहा कि ये इतना रोती है मैं नहीं खा सकता। फिर धीरे धीरे इवेंचुअली उसका नॉनवेज खाना भी बंद हो गया और उसके अंडे खाने भी बंद हो गए। छेनू हमारी फैमिली का बहुत बड़ा पार्ट है अब तो, बिना छेनू के अभी मेरे को तो मेरी फैमिली नहीं कम्प्लीट लगेगी। वैसे तो दोस्त बनाए जाते हैं खरीदे नहीं, पर कई बारी जिनकी जान बचाने के लिए हमें उन्हें खरीदना पड़ता है फिर वो दोस्त भी बन जाते हैं।